गाइस ये 2000 रुपए का इंडियन नोट है मेरे पास, देखते हैं अगर पाकिस्तान में आपकी जेब में 2000 इंडियन है तो उससे आप कितना ग्रोसरी और राशन वगैरह, फल सब्जियां, दूध वगैरह, कितना कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। चलें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले मनी एक्सचेंजर से 2000 इंडियन रुपीस दिए जिसके बदले में हमें 4400 पाकिस्तानी मिले। देखते हैं अब इस 4400 पाकिस्तानी यानी कि 2000 इंडियन रुपीस से हम क्या कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन इससे पहले इस बाजार का एक खास मंदिर आपको दिखाते हैं। मुसलमानों की दूसरे मजहब के लिए इज्जत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह मंदिर इस आबादी में कई सौ सालों से सही सलामत मौजूद है और किसी ने आज तक इसकी एक ईंट तक नहीं उतारी। इसके अलावा और भी बहुत से मंदिर हैं जो सही सलामत खड़े हैं, हालांकि पार्टीशन के वक्त हिंदू बरादरी इंडिया शिफ्ट हो गई थी। और इस वीडियो के आखिर में आपको इंडिया पाकिस्तान के गंडा सिंह बॉर्डर की फ्लैग सेरेमनी भी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सामान थोड़ा सा दे दें। नमक कैसे है भाई? किलो का पैकेट कितने का नमक का? ये है 30 रुपीज़ यानी कि 30 रुपये का। 30 रुपये का, अच्छा। और साबुन लेमन, ये रॉयल का साबुन है हमारे पास। ये कितने का? ये है 60। ये जी साबुन 60 का, 60 रुपये का। 30 रुपये का ये लेमन मैक्स बर्तन धोने वाला कितने का है? 25 का। 25 रुपये का। और चीनी कैसे के जी है? चीनी सारा हमारे पास है इस टाइम 90 रुपये की के जी है। ठीक है, गुड़ कितने का किलो है? गुड़ आपको दे देंगे 110 रुपये किलो। ये जी गुड़ है 110 रुपये के जी। और चावल कितने के के जी हैं? चावल 150 रुपये जी। बासमती चावल 150 रुपये के जी हैं यहाँ पे। बाकी अंडे दर्जन कैसे हैं? अंडे इस फिलहाल आपको सस्ते हो गए हैं, अब आपको 15 रुपये का एक अंडा मिलेगा। दर्जन कितने की है? दर्जन है 180 की। 180 का दर्जन अंडे हैं। और चना दाल? दाल चना है 120 रुपये। और दाल मसूर? भी 130 रुपये के जी। और घी कितने का किलो है? घी सर इस टाइम ना घी का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, वो इस टाइम 260 रुपये किलो है सूफी का। 260 रुपये के जी घी है। और कुकिंग ऑयल कितने का किलो है? 270 रुपये का। कुकिंग ऑयल 270 का, ठीक हो गया। ये सर्फ एक्सेल के जी कितने का पैकेट है? ये सर 310 के, आपको 300 का लग जाएगा। 300 का के जी सर्फ एक्सेल है जी। आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम है हमजा। हमजा, ये हमजा भाई हैं जी, इनकी किराना की यहाँ पे शॉप है, तो इनके रेट बड़े अच्छे हैं। ये माचिस बॉक्स है, इसमें कितनी माचिस हैं? इसमें 10 माचिस हैं। 10, ये कितने का? ये 40 रुपये का, 40 का। 40 का। और ये साबुन कितने का लक्स? ये 70 रुपये का सर। ये 70 का साबुन है जी लक्स। ये जी हमने किराने का कुछ सामान लिया है यहाँ से। थैंक यू, शुक्रिया। बाकी का कुछ सामान हम इस कैश एंड कैरी से लेंगे। बोल
पैकेट लिए है। बैग मजीद लिए हमने 2200 पाकिस्तानी और 1000 इंडियन का सामान ये है और बाकी के 2200 और 1000 इंडियन का सामान दूसरी जगह पड़ा हुआ है। इस तरह ये टोटल सामान 4400 पाकिस्तानी और 2000 इंडियन रुपीस का बन गया। ये ब्रेड ली है, ये 60 की है, ये बेसन है हाफ के जी 80 का, ये चावल है 2 के जी है 320 के, ये शुगर है 100 के जी के हिसाब से, ये चना है केजी है 150 का, ये दलिया है 60 का, ये सवैया है 100 की, स्कॉच ब्राइट 45, पैंटीन 215 का है, और ये डाबर आमला है 165 का, 240 का 3 का पैक है, बर्तन धोने के लिए लेमन मैक्स 125 का, ये 1 केजी सर्फ एक्सेल है 300 का, ये मिचेल्स जैम है 165 का, ये निम्को पैक है 65 का, लिप्टन टी 120, ये खीर का पैक है 85 का, ये कुकिंग ऑयल है 247 का, आधा सामान ये है। हंड्रेड रुपीज़ के जी का ये दूध लिया है 100 रुपये का किलो, 70 रुपीज़ के जी एप्पल लिए हैं सेब और स्वीट लाइम जो मौसमी है ये लिए है, 60 रुपीज़ की दर्जन और ये 80 रुपीज़ के दर्जन फ्लूटर लिए हैं और 70 रुपीज़ दर्जन के हिसाब से केले मिले हैं। इस तरह ये 270 का ये सारा फ्रूट बन गया। 30 रुपीज़ के जी के हिसाब से गाजर ली है, 30 रुपीज़ के जी के हिसाब से आलू है, 40 रुपीज़ के जी के हिसाब से मटर है, 15 रुपए का फी एग है, 130 का ये टूथब्रश है, 260 की कोलगेट है, 550 का 550 का ये है ओलिव ऑयल का डिब्बा, ये 160 का मैश बॉक्स है 30 का, ये जी आटा है 10 के जी का पैक है 750 का, सबसे अच्छी क्वालिटी का इसलिए थोड़ा महंगा है, वैसे 10 केजी का आटा 10 केजी का आटा यहाँ मिल जाता है 550 में। ये आयोडीन साल्ट है, आयोडीन नमक है 1 केजी का पैक है 30 का, और टोटल 2000 इंडियन रुपीस में जो सामान लिया है वो ये है। जी आ गया साहब।